हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप लोगों को पता है कि संडे को हमारी महा मैराथन जो क्लास है वो होने वाली थी इकोनॉमिक्स पर, और आपको यहाँ पर 6 घंटे में पूरा इकोनॉमिक्स रिविजन कराने वाले थे, लेकिन ये क्लासेस हैं बीच में क्यों रुक गई? बहुत सारे मैसेज आए व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर भी। तो जैसे कि आप लोग पूछ रहे थे कि सारी क्लासेस हैं ये कब चलेंगी, हम आपके भरोसे बैठे हुए हैं। तो आप लोग परेशान मत होइए, सारी क्लासेस चलेंगी। अभी आपको बताते हैं क्या रीजन आ गया था जिसकी वजह से सारी क्लासेस हैं वो स्थगित करनी पड़ गई थी। जैसे बहुत सारे लोगों की डिमांड है ये क्लासेस हैं ये कंटिन्यूस चलती रहनी चाहिए। इसमें आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार भी दिया है इन सारी वीडियोस में। तो देखिए प्रॉब्लम क्या आ गई थी एक्चुअली, जब हम आपकी क्लास ले रहे थे तो अचानक से मेरे बहुत तेज जो पेट है उसमें बहुत तेज दर्द उठा था। तो मुझे नहीं पता था पेट में दर्द क्यों उठा है, तो हम यहाँ पर जाकर के क्लिनिक से दवाई लेकर के आए थे। ऐसा लगा था कि गैस है, तो 2 दिन की दवाई दिए थे मैं, ठीक भी हो गया था। सोचा था कि शाम से आप लोगों की क्लासेस है फिर से स्टार्ट हो जाएंगी, तो लेकिन रात में रात होते होते मेरी बहुत ज्यादा तबीयत बेकार हो गई। फिर से एक्सट्रीम लेवल पे जो पेन होता है वो पेन होने लगा था। फिर मुझे जाकर के इमरजेंसी वार्ड में रात में 2 बजे ही मेरे दोस्तों ने ले जाकर के मुझे यहाँ पर एडमिट किया, क्योंकि मेरी फैमिली है वो यहाँ पर नहीं रहती है। तो हमारे जो दोस्त लोग हैं वही मुझे ले गए थे। जैसे तैसे बहुत प्रॉब्लम आई थी उन लोगों को भी, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर भर्ती कराया। देखिए उन्होंने मेरा नाम भी ठीक से नहीं लिखा है यहाँ पर, क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे मेरा रियल नाम। आप लोग भी मेरा रियल नाम नहीं जानते होंगे, आरजी सर के नाम से जानते होंगे, वैसे मेरा नाम है वो खेवेंद्र है मेरा रियल नाम। तो फिर उसके बाद में हम यहाँ पर गए थे, तो यहाँ पर भी आराम नहीं मिला। तो उन लोगों ने इंजेक्शन दिया और थोड़ा दवाई ववाई दी थी, और फिर सुबह हमें मॉर्निंग में उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। तो फिर मॉर्निंग में हम घर पे आ गए थे, लेकिन मैं फिर बेहोशी की हालत में था उस वक्त, तो मैं सोता रहा। फिर जब मेरी आंख 2 बजे दोपहर में खुली तो फिर से पेन वैसा ही स्टार्ट हो गया दोबारा से। तो शाम को फिर से मुझे ये लोग हॉस्पिटल ले गए थे। मेरे दोस्त लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा सहयोग किया, बेचारे बहुत दिनों से मेरे साथ में परेशान हो रहे हैं। तो फिर ये मुझे दोबारा से ले गए, तो दोबारा से मुझे इंजेक्शन लगे थे। फिर उन्होंने जो डॉक्टर है यहाँ पर, तो उन्होंने मुझे दो, एक तो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोला था, और दूसरा यहाँ पर सीबीसी की रिपोर्ट जो कंप्लीट ब्लड काउंट जो होता है एक टेस्ट होता है वो कराने के लिए बोला था। तो मैं गया था, फिर मैंने ये देखिए आप लोग डेट भी देख सकते हैं कि 16 तारीख को ये हुआ था। फिर जब इसमें कराई थे तो यहाँ पर तो पहले लग रहा था कि अपेंडिक्स है, डॉक्टर भी बोले आपको अपेंडिक्स है, इतना ज्यादा पेन उसी में होता है, तो आपका शाम को ऑपरेशन होगा, आप रिजल्ट लेकर के आइए। मुझे भी लग रहा था शाम को मेरा ऑपरेशन होगा, और इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि लग रहा था भाई काट के निकाल ही दे और थोड़ा सा रिलीफ दे दे। तो यहाँ पर बाद में पता चला कि मेरे यहाँ पर जो यूटेरा होता है, किडनी होती है, किडनी को एक लाइन होती है वो जोड़ती है पेशाब नाली से, तो उसको यूटेरा बोलते हैं। तो यूटेरा में ही ये दो यहाँ पर मेरे स्टोन है, मतलब पथरी जिसको बोलते हैं, 4 mm की है और एक 8 mm की। 8 mm वाली वो स्टक हो गई है, इसलिए मुझे कंसिस्टेंस रूप से दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि 8 mm की है, ये बहुत ही मुश्किल है निकलना। फिर भी उन्होंने दवाई दी है, लेकिन बोला कि अगर ये रिड्यूस नहीं होती है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर ऑपरेशन होगा और उसको निकाला जाएगा। लेकिन मैंने कहा था कि सर अभी मुझे ऑपरेशन से वैसे डर भी लगता है रियल बताऊं, तो इस वजह से मैंने कहा था सर अभी हम दवाई दी से तो पेन किलर दवाई दी है, और इसको रिड्यूस करने वाली कई सारी दवाइयां मुझे दी हैं, तो जो दवाइयां चल रही हैं। और अभी मंगलवार को ले जा करके फिर से अल्ट्रासाउंड और सारी चीजें करा करके दिखाई जाएंगी कि कितना फर्क पड़ता है। देखिए अभी भी देखिए यहाँ पर कॉल्स आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए क्लब मेंबर हैं, आप लोग ही कॉल कर रहे हैं, तो अभी मैं रिसीव नहीं कर सकता हूँ। अभी आप लोग के लिए यहाँ पर वीडियो बनाना है, तो आप लोग इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। तो बाद में पता चला कि यहाँ पर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा कि अभी कुछ दिनों के लिए रुक जाऊँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि दवाई चला करके आप लोगों का जब तक पीटी एग्जाम ना हो जाए तब तक मैं ऑपरेशन ना कराऊँ, क्योंकि अगर बीच में अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ गया कि पेन नहीं रुक रहा है एकदम, तो ऑपरेशन तो कराना ही कराना पड़ेगा, क्योंकि इतना आप लोग जानते होंगे जिनके स्टोन होता है कितना पेन होता है। मैंने कभी ऐसा पेन आज तक कभी जिंदगी में मैंने फील नहीं किया, मतलब बेहोशी की हालत में मैं आ जाता था। तो आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है यूट्यूब पर भी, तो आप लोग इसी तरह से सहयोग करते रहें, और 10,000 का अपना टारगेट है इसे कंप्लीट करते हैं, और आप बहुत जल्दी ही आप इसको कंप्लीट कर देंगे। अभी तो देखिए पुरानी पिक अभी कुछ दिन पहले ही की लगी हुई है, 8-10 दिन पहले की, तो अब तो 2 KB+ हो चुके हैं। तो आप लोग इसी तरह सहयोग करते रहिए, और आप लोगों के लिए देखिए कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देते हैं। मंडे को यानी कि कल आप लोगों की यहाँ पर इकोनॉमिक्स की क्लास चलने वाली है, सुबह 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक ये क्लास चलेगी। अब देखिए क्लास में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है, पहले मैं आप लोगों को खड़े होकर के पढ़ाता था, लेकिन अब मैं आप लोगों को इसी तरह से बैठ के पढ़ाऊंगा, और इतने ही से लोग बोल करके पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पेन होता है। अभी पेन किलर गोली खाई है तब मैं आया हूँ। आज चौथा दिन हो गया, 4 दिनों से मैं इस स्टूडियो में बिल्कुल भी कदम नहीं रखा था। अभी आकर के मैंने यहाँ पर अपने दोस्तों से इसमें सेटअप में थोड़ा चेंज कराया, सारे सामान हटा करके इसको जो सिस्टम है उसको नीचे कराया है। तो अब बैठ करके इसी तरह से मैं आप लोगों की क्लासेस लूंगा,
और जो क्लासेस हैं वो आपकी 3-3 घंटे की चला करेंगी, और आपका जो महामैराथन क्लासेस हैं, पहले 6 घंटे की कॉन्टिन्यूसली क्लास देने वाले थे, लेकिन अब 3-3 घंटे की आपको दिया करेंगे, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, वरना पता चला एक क्लास देने के बाद फिर मैं फिर से जा करके एडमिट हो गया जा करके, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो देखिए आपको सभी पर ही क्लासेस हैं दी जाएंगी, आप इसी तरह से आप लोग सहयोग करते रहें, और आपको यहाँ पर जो भी क्लासेस मिल रही है वो कंटिन्यू मिलेंगी। और पीटी तक मैं कोशिश करूंगा कि मेरा ऑपरेशन ना हो, पीटी के बाद ही मैं अपना ऑपरेशन कराऊं। और घर वाले इतना ज्यादा बुला रहे हैं कि मतलब फोन पे फोन किया था, घर पर हमारा घर है यहाँ से 500-600 मीटर दूर है उत्तराखंड के पास में, तो वहाँ स्टूडियो नहीं है, वहाँ पर इतनी फैसिलिटी भी नहीं है, जैसे वाईफाई वहाँ पर नहीं है, और बैटरी बैकअप है वो भी इतना अच्छा नहीं मिल पाता है, स्टूडियो यहाँ पर पूरा सेटअप होता है, तो वो मैं सब कुछ नहीं ले जा सकता हूँ। अगर ये सब कुछ वहाँ पर पॉसिबल होता तो मैं घर चला जाता, क्योंकि मुझे खुद मैं ना ही खाना बना पाता हूँ, ना ही अब मैं चल भी फिर भी नहीं पाता हूँ, तो सारा काम है वो रूममेट, मेरी रूममेट की पहले से तबीयत बेकार है, आप लोगों को पता है मैं उनको अभी दवाई दिलवाने जाता था, उनका जो लीवर है उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो अभी 2-4 दिनों तक मैं उनको दवा दिला रहा था, अब वो मुझे दवा दिला रहे हैं, उनकी तबीयत भी अच्छी नहीं है, और पेपर भी है उन लोगों के काफी, तो आप लोगों के पेपर है, तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आपको सब कुछ इसी तरह से मिलता रहे, और आप लोगों की जो दुविधा थी वो सारी दूर कर दी गई, कल आपके 10 बजे क्लासेस से लेकर 3 घंटे की, उसमें सब कुछ आपको कवर करा दिया जाएगा। देखिए अब कीपर बैच में जो आप लोग एडमिशन लेना चाहते थे वो अभी मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है मैं अभी 15-20 दिनों तक इसमें क्लासेस ना लूँ, जब तक मैं बेटर ना हो जाऊँ, तो अभी आप लोग एडमिशन इसमें ना ले, बाद में आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ओके, और अपना जो इसी, और हाँ इकोनॉमिक्स की एक इम्पोर्टेंट चीज बता देते हैं, इकोनॉमिक्स की देखिए यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेस पड़ी हुई हैं पूरा पीटी और मेंस के लिए सिर्फ 99 रुपीज में, आप लोगों के लिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है, मतलब पढ़ाया नहीं जा रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो है, ऑलरेडी आकर के देखिए यहाँ पर सभी की सभी पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है, जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं वो आकर के पढ़ सकते हैं। ओके, तो देखिए महामैराथन क्लासेस में आपका क्विक रिविजन कराया जाएगा पूरे सिलेबस का, लेकिन अगर आप लोग बेसिक से एकदम स्टेप बाई बहुत डीप में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप पर जाइए, क्लब आई एस फ्रेंड आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, तो वहां पर इकोनॉमिक्स फुल लेक्चर करके आपको ये मिल जाएगा। अगर ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो वहां पर भी आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ओके, चलिए इस वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से अपना प्यार दिखाते